कितने लोगों को जगन्नाथ जी के बारे में पता है? ये जगन्नाथ जी कैसे आए? बड़े ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ भगवान है। बाकी सारे भगवान के तो हाथ है पैर है, जगन्नाथ जी के तो ना कोई हाथ है ना कोई पैर है। तो कैसे ये जगन्नाथ जी जो है हमारी आते हैं, और देखने में भी आंखें भी हमारी जैसे नहीं है, जैसे भगवान की आंखें तो कहा जाता है कि वो बिल्कुल लोटस आए हैं, और उन जगन्नाथ जी की आंखें एकदम गोल गोल है। तो ऐसा क्या है, जगन्नाथ जी कैसे आए? आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जितना समय हमारे को मिलेगा, क्योंकि अब जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, 12 तारीख को है मेरे ख्याल से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। और जगन्नाथ जी कौन है उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे कि कैसे जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ। ये कहानी है जब ब्रह्मा जी, आप बहुत टाइम ऐसा होता है कि कई बार हम कोई चीज बनाते हैं और हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये कैसी चीज है, हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है यार हमने अच्छी नहीं बनाई। कई बार हम लेडीज है, हम खाना बनाते हैं और कई बार हमें लगता है कि यार हमने कैसा खाना बना दिया, हमें तो किसी और टाइप का खाना बनाना चाहिए था। ऐसे ही ब्रह्मा जी जब बैठे हुए थे एक दिन, सोच रहे थे कि हाय मैंने ये धरती बनाई, ये मैंने पृथ्वी बनाई है, और क्या है कि यहाँ पे तो सिर्फ कला है, कलेश है, 3 टाइप की मिजरीज है। कभी कोई बीमार हो जाता है, या कभी रिश्तेदारों में लड़ाई हो जाती है, या कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में किसी ना किसी तरह हम पड़ते रहते हैं। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है, इन सारी चीजों से हम कैसे बच सके? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने फालतू में ये पृथ्वी बना ली, और वो सोचे हैं बैठ रहे हैं और अपने कह रहे हैं कि यहाँ सब डेथ है बर्थ है, पर व्हाट इज द यूज, यहाँ लोग आएंगे मर जाएंगे लड़ाई करेंगे। तो ऐसे बैठे हुए थे, तो तभी उन्होंने देखा भारत में एक ऐसी जगह है, वहां पे एक तोता बैठा हुआ था, एक पक्षी बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर, और नीचे एक तालाब था, और वो पक्षी को ना नींद आ गई, ऐसे सो रहा था, झपकी ले रहा था, और वो पक्षी उस जाते तालाब में जाके गिर जाता है, और जैसे ही वो तालाब में गिरता है तो वो पक्षी मर जाता है। पर वो जैसे ही मर जाता है पक्षी, तो वहां 4 हाथ विष्णु रूप लेके खड़ा हो जाता है, तब तो उसके 4 हाथ हो जाते हैं, और वैकुंठ से क्या होता है, एक प्लेन आता है और उसको बिठा के वैकुंठ ले जाता है। तो ब्रह्मा जी बड़े हैरान हो गए कि भैया ये तो पक्षी था, इसको तो अपने कितने सारे जन्म क्रॉस करने थे, तो हाउ हाउ दिस हैपेंड। तो तब उनको पता चलता है, तब नारद मुनि आके कहते हैं कि ये जो जगह है ये श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, यहाँ पे अगर आप कोई भी जाता है या यहाँ पे कोई भी प्राण त्यागता है, चाहे उसके अच्छे कर्म हो या ना हो, वो सीधा भगवान के धाम जाता है। सेकेंडली ये ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा श्री क्षेत्र है जहाँ पे अगर कोई सोता है तो उसको ऐसे तपस्या करने का फल मिलता है कि वो एक साधु है और वो मेडिटेशन के अंदर है। यहाँ पे कोई कुछ भी बोलता है, चाहे वो कोई गाली क्यों ना दे, तो उसको ऐसा फल मिलता है जैसे कि वो भजन गा रहा। तो और यहाँ पे कोई सिंपल चलता भी है श्री क्षेत्र में, कि अपने घर से मार्केट से, मार्केट से सब्जी लेके अपने घर आ जाता है, तो उसको उस चलने का परिक्रमा का फल मिलता है। तो ये है पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो यहाँ पे जब जगन्नाथ जी नहीं थे तो बहुत पूर्व काल में एक डीटी होते थे जिनको कहा जाता था नील माधव, वो नीले रंग के बिल्कुल मणि की तरह होते थे। एक बार फिर ये तो हो गई ब्रह्मा जी की बात। ऐसे ही एक राजा थे, अब हम फ्लैशबैक से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, अब ये सारी स्टोरी जो चल रही है वो फ्लैशबैक में चलती है। जगन्नाथ जी पता बहुत जिसको कहते हैं बड़े ही इजिली आप उनको कनेक्ट कर सकते हो गॉड को, जगन्नाथ जी को, और वो आपके साथ बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट भी करते हैं। आप जिस प्रकार उनके साथ बात करो तो वो आपको उसी वे में वापस भी बात करते हैं। ऐसे ही जगन्नाथ जी जो थे, क्या हुआ, एक राजा हुआ अवंती देश में, उस राजा का नाम था इंद्रदुमिल। वो हर वे में समृद्ध था, उसके पास धन था, दौलत था, सब कुछ था, और वो हर प्रकार से जो राजा था समृद्ध था, लेकिन फिर भी वो बड़ी टेंशन में रहता था कि हाय ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मतलब मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो वो राजा बड़ा परेशान, बड़ा टेंस रहता था इन सारी चीजों को लेके। तो क्या हुआ, उसने
उसका उसके पास हजार हजार बीवियां थी, उसके पास इतने सारे धन दौलत थी, उसके पास इतने सारे पुत्र थे, पुत्रियां थी, उसके बावजूद भी राजा ना किसी टाइम में वो डिप्रेस रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे लोग आए करते हुए, सेवा करते हुए आए, मतलब तीर्थ यात्रा करके आए, वो बड़े खुश। तो राजा ने अपनी समस्या उनसे कही कि आप लोग ऐसे इतने खुश क्यों हैं? मेरे पास तो बीवी है, किंगडम है, इतने सारी धन है, जायदाद है, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा आप ना ऐसा कीजिए, जाके ना नील माधव के दर्शन कीजिए, और नील माधव के आप जब दर्शन कर लेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब जो अंदर आपको खोखलापन मिल रहा है ना, तो अगर आप उन नील माधव के दर्शन करके आओगे तो आपका वो खोखलापन पूरी तरह चला जाएगा। तो राजा कहते हैं ऐसे सबकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वो अपना सबसे ज्यादा विश्वास पात्र एक फ्रेंड होता है, उसके किंगडम में मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है विद्यापति, उसको कहता है हे विद्यापति तुम जाओ, ये नील माधव की क्या बात हो रही है, जरा जाके बताओ मेरे को ये सच है कि नहीं, कि मैं सबको लेके भी चला जाऊं वहां और कुछ भी ना होए। तो विद्यापति कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। तो विद्यापति जो है बहुत सारे ओशियंस और जमीन पार करके इतना टाइम हो जाता है, राजा उसको कहते देखो विद्यापति 2 महीने में ना वापिस आ जाना, मैं बड़ा उतावला हो रहा हूँ, मेरे को नील माधव जो भी है मैं तुमको उनके दर्शन करके। तो विद्यापति को तो जाने में ही वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने में ही इतना समय लग जाता है। अब जब विद्यापति वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचता है तो वहां पे वो ढूंढ रहा है कि कहां पे मैं ढूंढू, किधर मेरे को मिलेंगे नील माधव। तो ऐसे करके वो एक गांव में जाता है। ये गांव जो होता है ये आदिवासियों का गांव होता है, जो निषाद के अंदर होता है, इनको दैत्य दैत्यपतीस भी कहा जाता है। तो जो उस गांव का हेड होता है वो जो होता है, ये तो सारे आदिवासी होते हैं, मतलब जानवर काट के खा रहे होते हैं या पेड़ पे जो फल होते हैं, जंगल में जैसे आदिवासी रह रहे होते हैं वैसे रह रहे होते हैं। तो वहां वो जाता है, वो पूछता है, सब कहते नहीं हमें तो नहीं पता नील माधव के बारे में। पर जैसे ही वो सोच रहा होता है मैं क्या करूं, तो सामने से क्या होता है कि जो इस पूरे आदिवासी के छबील का जो हेड होता है वो वापिस आ रहा होता है उसका, और वो इतना खुशबूदार, उसके शरीर में से इतनी खुशबू ऐसे लग रहा होता है जब वो आ रहा होता है कि उसके में से अलौकिक खुशबू आ रही है, उसके गले में पड़े हुए फूल की माला सूखी नहीं है जबकि इतना सूरज पड़ रहा है, और वो इतना प्रसन्न है। तो उसको लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो विद्यापति क्या करता है, उसी गाँव में थोड़े समय के लिए रहना शुरू कर देता है। और विद्यापति क्या करता है कि जो उस किंगडम के राजा की पुत्री होती है ललिता, उसका नाम होता है, उसके साथ क्या करता है विद्यापति विवाह कर लेता है। मतलब उनका प्रेम हो जाता है, इतना टाइम रहता है और वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तो इस दौरान विद्यापति ये भी देखता है कि जो उस छबील का, जो उस पूरे उसका सरदार होता है, वो रोज सुबह कहीं जाता है और कोई उसको फॉलो नहीं करता, और शाम को वो वापस आता है और वो उसमें इतनी खुशबू होती है और रोज का उसका नियम है। तो एक दिन विद्यापति अपनी पत्नी से ललिता से पूछता है हे ललिते बताओ तुम्हारे पापा कहाँ जाते हैं तुम्हारे तो ललिता कहती है तुम्हें मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, हमारे ना यहाँ के कुल देवता है नील माधव, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताते, कोई भी बाहर वाला बंदा होता है हम उसको नील माधव के बारे में बिल्कुल खबर नहीं होने देते, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी है कि कोई बंदा आएगा, कोई राजा आएगा और वो इस नील माधव को ले जाएगा। तो कहते हैं अच्छा तुम्हारे पापा जो हैं, तुम्हारे पिताजी जो हैं, वो रोज क्या नील माधव के दर्शन करने जाते थे? तो पुजारी हैं वो वहां नील माधव की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं और शाम को अपनी अर्चना पूर्ण करके जो है वो वहां से वापिस आ जाते हैं। तो विद्यापति कहते क्या तुम मुझे वहां पे लेके जाओगी? तो कहते हैं ललिता सखी कहती है नहीं नहीं, ललिता जी कहती है नहीं नहीं मैं कैसे ले बोल सकती हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और पति व्रता नारी का होता है अपने पति की सारी बातें माने। तो ललिता कहती है ठीक है मैं अपने फादर से बात करती हूँ, तो आप इस कबीले के मेंबर हो ही गए हैं तो मैं अपने फादर से बात करूंगी इसके बारे में। तो ललिता जो होती है अपने फादर देवती पति के पास जाती है और कहती है
पापा मेरे को ना ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, प्लीज आप उनको अपने साथ एक बार ले जाओ, वो भी नील माधव के दर्शन करना चाहते हैं। तो डरते पति कहते हैं नहीं, नथिंग डूइंग, तुम्हें पता है ना दिस इज अ क्लोज गार्डेड सीक्रेट, ये हमारा सीक्रेट है, हम कैसे इनको बाहर कर दे। कहते प्लीज पापा आप देखो ना कि वो तो अब मेंबर हो गए ना फैमिली के, ही इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, तो आप क्यों नहीं लेके जा रहे। कहते नहीं नहीं मैं नहीं लेके जा सकता, मैं बिल्कुल भी 1% भी कोई चांस नहीं लेना चाहता क्योंकि भविष्यवाणी ऐसी हुई है। तो ललिता कहती है देखो आप मेरे को मेरा पत्नी बता धर्म में फोन करने में सहयोग नहीं दे रहे ना, ठीक है मैं जहर खा के मर जाऊंगी, आप मेरे को जान नहीं दोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो दैत्य पति कहते ठीक है तुम ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे को ठीक है मैं एक शर्त लेके जाऊंगा, तो ये होंगे ना विद्यापति जो बोल रहे हैं, मैं इनकी आंखों के ऊपर ना पट्टी बांध के लेके जाऊंगा ताकि वो देखे ना कि रास्ता क्या। तो ललिता कहती ठीक है कोई बात नहीं, एज यू विश पापा, आप उनको एक बार ले तो जाओ। तो अगले दिन वो विद्यापति तैयार हो जाते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, पर विद्यापति बहुत चतुर होते हैं, क्या करते हैं अपनी जेब में ना सरसों के बीज रख लेते हैं, कहते हैं अब मैं जाऊंगा मुझे तो अपने राजा को लेके आना है यहाँ पे, तो तब तक क्या होगा पूरी सरसों की उस पूरे रास्ते में जो होगा सरसों की खेती हो जाएगी, तब मैं वो रास्ता कर लूंगा। तो हालांकि वो दैत्यपति के साथ आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं, पर हर थोड़ी देर में वो एक सरसों का जो है बीज डालते हुए चले जाते हैं रास्ते में। अब दैत्यपति जहां उनको लेके जाते हैं गुफा के अंदर, इतनी ज्यादा ब्लू कलर की लाइट आ रही होती है, नीली चमक हो रही होती है, और वहां पे विद्यापति की आंखें चौंधिया जाती है नील माधव के दर्शन करके, इतने सुंदर भगवान नीले वर्ण में और इतने चमकदार। और तब तक दैत्यपति कहते तुम यहीं पे ठहरो, इनके दर्शन करो, मैं जरा फूल फल वगैरह पास से लेके आता हूँ। तो विद्यापति देख रहे हैं कि सच में मुझे तो महाराज इंद्रदुम्न को यहाँ पे लाना चाहिए, पर उसी समय देखते हैं कि वहां पे पास में एक पेड़ है और पेड़ पे अगेन एक पक्षी बैठा हुआ है, और वो पक्षी जो है उसको नींद आ गई और वो नीचे गिरे हुए तालाब में गिरता, और विद्यापति भी वही देखते हैं जो ब्रह्मा जी ने देखा होता है। विद्यापति को भी बिल्कुल वही दिखता है कि जैसे वो पक्षी डूब के मरता है तो उसका जो स्वरूप होता है विष्णु फॉर्म में आ जाता है, चार हाथ वाले विष्णु फॉर्म, और तभी वैकुंठ से प्लेन आता है और विद्यापति वो पक्षी जो विष्णु फॉर्म में पहुंच गया होता है उस प्लेन में बैठ के वैकुंठ चला जाता है। विद्यापति कहता है वाओ मेरे को तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना माला करनी पड़ेगी, ना शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ना अपने आप को इतना रगड़ा खाना पड़ेगा, दिस इज अ शॉर्टकट टू वैकुंठ, वैकुंठ जाने का सबसे सरल और शॉर्टकट उपाय है, ऐसा करता हूँ मैं इस जल में कूद जाता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ और मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। तो जब विद्यापति को ये ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ और वो कूदने ही वाला होता है उस पानी में, तभी आकाश से आकाशवाणी होती है, और उस आकाशवाणी में कहा जाता है हे विद्यापति तुम ऐसे मत करो, तुम सुसाइड मत करो, तुम अपने प्राण मत त्यागो, तुम जाओ राजा इंद्रदुम्न को लेके आओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे ही आकाशवाणी हो रही होती है कि अब नील माधव जो है राजा इंद्रदुम्न की सेवा स्वीकार करेंगे, तो तभी दैत्यपति भी ये आकाशवाणी सुन लेता, उसको इतना गुस्सा आता है, वो कृष्ण को देखता है, वो नीले रंग के आ जाता है और उस नीले रंग के नील माधव को देख के कहता है अरे ओ कालिया तुम सच में तुम काले रंग के ही नहीं हो, तुम्हारा तो दिल भी काला है, मैं इतने सालों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, मेरी सेवा में क्या कमी आई, अब तुम राजा हो गए, तुमने तो बिल्कुल पार्टी पलट ली, हाँ तुम जैसे को तुम्हारा तो हृदय बड़ा कठोर है, तुम बहुत काले हो, बहुत बोलते नील माधव को। और फिर क्या करता है विद्यापति को बंदी बना के रख लेता है अपने पास, और विद्या ललिता कहती है ये पापा आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरे पति को क्यों बंदी बना दिया। तो दैत्यपति उसको सारी कहानी बताता है कि ये इंद्रदुम्न महाराज का भेजा हुआ गुप्तचर है, ये नील माधव के बारे में पता करना आया था, अब ये महाराज को ले आएगा और जो हमारे नील माधव है हमसे हमेशा से चले जाएंगे, हमसे छूट जाएंगे। तो ललिता कहती है पर आप ऐसे तो नहीं कर सकते, ये मेरे पति हैं, आपको इनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो ललिता फिर आ गई अपने बिल्कुल इमोशनल होकर, ट्रेजेडी क्वीन बनने कहती पापा अगर आपने इनको जाने नहीं दिया मैं फिर जरूर करूंगी। अल्टीमेटली दैत्यपति को उनको रिलीज करना पड़ता है और वो नील माधव विद्यापति जो है वहां से
जाते हैं इंद्रदुम्न महाराज के पास और इंद्रदुम्न महाराज को कहते हैं कि सच में एक मीन माधव है। प्लीज बाकी लोग अपना ऑडियो बंद कर दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो जब वो नील माधव के पास जाते हैं, इंद्रदुम्न महाराज के पास जाते हैं और उनको वो सारे नील माधव के सारे पास टाइम्स के बारे में बताते हैं कि नील माधव कैसे हैं, सच में उनका स्वर बहुत अच्छा है और मुझे अंदर से शांति मिली है और मैं इतना प्रसन्न हूँ कि ऐसा हुआ, मैं उनके दर्शन करके आया। तो यहाँ से राजा इंद्रदुम्न पूरी अपनी सेना, पूरे अपने राज्य, अपनी रानियों के साथ, अपने बच्चों के साथ चलते हैं। पूरी अवंती सिटी जो होती है वो बिल्कुल खाली हो जाती है, सब जा रहे हैं भाई नील माधव के दर्शन करने, हम तो सब जा रहे हैं पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, हम नील माधव के दर्शन करके आए। जैसे राजा नील माधव के दर्शन करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं तो उसी समय क्या होता है, उनको पता चलता है कि वहां पे नील माधव जो है गायब हो गए। अब राजा को बड़ा हैरानी होती है कि नील माधव नहीं है, अब नील माधव चले गए, मैं उनके स्पेशली दर्शन करने आया था और नील माधव नहीं है। तो राजा बड़ा ही दुखी होता है, वो कहता है अब मैं यहाँ ना सुसाइड कर लेता हूँ, मेरे को बस जीना ही नहीं है। मेरा एक होप थी, मेरी लाइफ में एक होप थी कि मेरे को नील माधव मिलेंगे, मैं उनके दर्शन करूंगा, अब वो होप भी खत्म हो गई, मेरे को जीना ही नहीं। तभी क्या होता है, वहां पे नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं राजन, तुम फिक्र मत करो, नील माधव आएंगे, तुम ऐसा करो, भगवान को पाना इतना आसान नहीं होता, तुम ऐसा करो 100 अश्वमेध यज्ञ का प्रण लो और तब नील माधव आएंगे। तो राजा कहते हैं ठीक है नारद मुनि, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे करूंगा। और राजा वहां पे बैठ के 100 अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो 99 करता है तो इंद्र आ जाते हैं, राजा को कहते हैं कि तुम 100वां यज्ञ मत करो, तुम 100वां यज्ञ मत करो, क्योंकि तुम मेरे जैसे इक्वल हो जाओगे तुम छोड़ दो। तो राजा कहते हैं ऐसे नील माधव कैसे आएंगे, तो कहते नहीं नहीं आएंगे तुम्हारे पास, तो तुम ऐसा मत करो। तो राजा सोच रहा होता है कि अब तो मैंने यज्ञ भी कर लिया है, 100 भी करने ही वाला हूं, पर मेरे को करने नहीं दिया जा रहा, चलो कोई बात नहीं। तब नारद मुनि कहते तुम, राजा बड़ा फिक्र में हो जाते हैं कि मेरे से कोई शरणागत ये भी मांग रहा है कि तुम यज्ञ मत करो, पर अगर मैं 100 यज्ञ पूर्ण नहीं करूंगा तो नील माधव कैसे वापस आएंगे, मैं उनके दर्शन कैसे करूंगा, कैसे मैं सुखी हो पाऊंगा, कैसे, क्यों मेरे अंदर विरह की अग्नि है, मैं कैसे उसको बुझा पाऊंगा। तो तब नारद मुनि आते कहते तुम, राजा कहता मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो नारद मुनि आते कहते डोंट वरी, कल भगवान आ जाएंगे, भगवान आएंगे, कल तुम स्नान करने जाओगे ना तो भगवान आएंगे। तो राजा बड़ा खुश, सुबह उठता है, तैयार होता है, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में तैयार होके अपनी पूजा अर्चना सब करके वो क्या करता है, स्नान करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वो स्नान करने जाते हैं तो वहां पे माधव, नील माधव है ही, राजा को लगा कोई मूर्ति होगी, कुछ होएगा, पर वहां पे तो कुछ भी नहीं था, ना नील माधव थे ना कुछ था। राजा बड़ा दुखी हो जाता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, वहां पे तो बस एक लकड़ी गहरी है, नीम के पेड़ की इतनी बड़ी लकड़ी गहरी है और उसमें से बहुत सुगंध आ रही है और भगवान तो आए नहीं। तो राजा कहते बस बस, नारद मुनि ने ना मेरा बहुत बेवकूफ बना लिया, अब मैं ना अपने प्राण त्याग दूंगा। तो नारद मुनि कह रहे अरे देखो भगवान आ तो गए, ये लकड़ी जो है, अब जो नील माधव है, जो ठाकुर जी है, वो दारू ब्रह्म के रूप में आए हैं। दारू का मतलब होता है नीम का पेड़ की जो तने को कहते हैं वो, उसको दारू कहते हैं, और दारू ब्रह्म का मतलब है जो भगवान साक्षात उस वुड की फॉर्म में आए हैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करने। तो राजा कहते हैं अच्छा, कहते देखो देखो इस पे चिन्ह है। तो राजा ध्यान से देखता है तो सच में उसके ऊपर चिन्ह होते हैं, उसके ऊपर शंख होता है, चक्र होता है, गधा होता है और पद्म होता है, लोटस फ्लावर का साइन होता है। तो राजा कहता है वाह भगवान आ तो गए, पर मैं इनकी स्थापना कैसे करूं, मैं इनकी पूजा कैसे करूंगा। तो राजा बड़ा सोच रहा होता है बड़ा कि मैं ये कैसे करूं, कैसे ना करूं। तभी क्या होता है, राजा को नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, अब तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हारे पास एक बंदा आएगा जो इसका इस सारी लकड़ी से ना ठाकुर जी को बनाएगा, बहुत सुंदर रूप देगा। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट सालों की मेहनत जो है कोई फायदा लाएगी। तब क्या होता है, एक विश्वकर्मा स्वयं आते हैं एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में, और वो राजा को कहते हैं हे राजन, मुझे ठाकुर जी के अंदर से प्रेरणा हुई है कि तुम्हारे पास जो लकड़ी, मैं उनसे ठाकुर जी का रूप बनाऊंगा।
करते, कहते ठीक है बनाओ, आप जल्दी बनाओ। कहते पर मेरी एक शर्त है। राजा कहते इतनी सारी शर्तें हैं और वो इतना उतावला हो रहा होता है ठाकुर जी के दर्शन करने, कहते कुछ भी ले लो महाराज, आप जस्ट बना दो इनको, प्लीज प्लीज बना दो। तो कहते देखो मैं अंदर जाऊंगा, 22 दिन तक मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, ना वो जिस कमरे में मैं हूंगा ना उसका किवाड़ खुलेगा, ना मुझे खाना चाहिए ना मुझे पानी चाहिए, पर 22 दिन तक आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, और अगर आपने मेरे को डिस्टर्ब किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। राजा कहते ओके नथिंग डूइंग, आप करो, आपको जैसे करना करो। तो रोज राजा दीवार किवाड़ के आगे अपना कान लगा कर सुनता था, रोज ठक 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 की आवाज आती रहती थी, मतलब जो वो बूढ़ा ब्राह्मण है वो भगवान उस लकड़ी से भगवान का जो है स्कल्पचर बना रहा है, उनका जो मूर्ति बना रहा है। तो क्या हुआ, 12वें दिन वो थक थक की आवाज आनी बंद हो गई, 12वें या 15वें दिन वो थक थक की आवाज आनी बंद हो गई। तो राजा की जो पत्नी है उनका नाम था गुंडीचा, तो गुंडीचा जाके कहती है हे राजन देखो आवाज नहीं आ रही, मैं सुबह से कान लगा के सुन रही हूँ नहीं हो रही, वो बूढ़ा ब्राह्मण था कहीं वो मर ना गया हो, कहीं वो भूख प्यास से तड़प ना गया हो, कृपया कर कबाड़ खोलो देखो तो सही उस ब्राह्मण की, हमें जान बचानी। राजा कहते नहीं नहीं उसने मना किया था कि 22 दिन से पहले नहीं खोला। कहते नहीं देखो देखो ना आवाज आई मेरी। राजा भी जाकर सुनता है तो देखते कोई आवाज नहीं है, बहुत देर तक वो दरवाजे के आगे खड़े रहते हैं लेकिन हल्की सी भी आवाज नहीं आ रही होती। तो गुंडीचा के कहने पे राजा क्या करता है, वो द्वार खोल देता है। अब वहां द्वार जैसे ही खोला तो फिर क्या होता है ना, वहां पे कोई बूढ़ा ब्राह्मण है, और क्या देखता है कि जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माई, तीन एक मूर्तियां बनी हुई है दारू ब्रह्म की, पर वो कंप्लीट ही नहीं है। मतलब जगन्नाथ जी के दो हाथ है ऐसे, बलभद्र जी के हाथ है, सुभद्रा माई के तो हाथ ही नहीं है और उनके पैर ही नहीं है। कहते हे भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों दरवाजा खोल दिया, ये तो मूर्तियां पूर्ण ही नहीं है, ये पूर्ण ही नहीं है, मेरी इतने सालों की मेहनत, मैं इतना सोच रहा था कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, पहले मैं नील माधव के दर्शन करने आने कर रहा था तो नील माधव गायब हो गए, पहले दैत्यपति ने हमें उनके दर्शन नहीं करने दिए, फिर नील माधव गायब हो गए, अब मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो फिर ये लकड़ी आई, फिर मैंने लकड़ी के भगवान बनाए और वो भी पूर्ण नहीं हुए, मेरा तो जीवन भी व्यर्थ है, मैं अब ये पीड़ा जो है विरह की पीड़ा सह ही नहीं सकता, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सो राजा जो बार बार सोच रहे सुसाइड कर लूं सुसाइड कर लूं सुसाइड करना है, दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल सुसाइड, कि आप भगवान की विरह इतना सह नहीं सकते कि आप बस भगवान की विरह में लगता है कि ये जीवन खराब है, क्या पता मैं अपने प्राण त्याग दूं तो मेरे को भगवान के दर्शन हो जाए। तो ये इससे ये नहीं पता चल रहा कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सुसाइड कर लो, इससे ये नहीं, दिस इज हाई लेवल, दिस इज सुप्रीम हाईएस्ट लेवल, दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल सुसाइड। जब भगवान की विरह इतनी होती है कि आपका शरीर में इतना ताप आ जाता है, आपके शरीर में इतनी गर्मी आ जाती है कि आपको लगता है कि हम अपने प्राण त्यागते हैं। सो राजा क्या करता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो नारद मुनि आते, नारद मुनि कहते वेट, ये भगवान है, ये भगवान ही है, ये साक्षात भगवान है। तो राजा कहते आप क्या बोल रहे हो, आप मेरे को टोपी पहना रहे हो, इतने टाइम से आप मेरे को टोपी पहना रहे हो। कहते नहीं नहीं सच्ची कह रहा हूँ राजन, ये भगवान है, सच में भगवान ने अपना वादा निभा दिया। और नारद मुनि बिल्कुल एक्सटेसी में चले गए, इतने खुश हुए, उनके पास नाच रहे हैं गा रहे हैं। और राजा कह रहे हैं इनको हो क्या गया, इन्होंने पी के आए हैं क्या, इन्होंने धतूरा पिया है क्या। तो नारद मुनि कहते हैं अभी अभी मैं आपको बताता हूँ। वो नारद मुनि उनको ना फ्लैशबैक में ले जाता है। सो जो अब हम फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाऊंगी आपको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भगवान ऐसी फॉर्म में आए क्यों, बिना पैर और हाथ ऐसे वाले फॉर्म में। तो ये आप जगन्नाथ जी का जो ये स्वरूप है उसके बारे में हमें पता चलेगा। सो एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है, ये है कि अगर मीटिंग बीच में इंटरप्ट हो जाती है जूम तो प्लीज रीजॉइन, ठीक है, आई विल सेंड द अगेन, मैं ये ऑन कर दूंगी अपना नेटवर्क। सो क्या होता है, नारद मुनि कहते हैं कि ये बहुत समय पुरानी बात है कि जब कृष्ण थे वो द्वारका नगरी में थे, द्वारका के किंग थे और वृंदावन से बहुत दूर रहते थे, तो उनकी रानियां उनको देखती थी, रानियां देख देख के हैरान होती थी कि हम इनकी इतनी सेवा करते हैं, हम इनको इतना खाने, 16,108 बीवियां थी और इतनी पतिव्रता नारियां थी जो भगवान श्री कृष्ण की इतने अच्छे से सर्विस करती थी, उनको जमीन पे पैर नहीं रखने देती थी, पर देखती थी कृष्ण जब अपनी राज की ड्यूटीज करके वापस आते थे, जो भी
किंग की ड्यूटी सह करके वापस आते, रो रहे होते थे, इतना रो रहे होते थे, अपने छुप छुप के रो रहे हैं, कभी ऐसे खड़े हैं तो सीधे खड़े हैं, और दूसरे पल देखो तो यूं टेढ़े खड़े हो जाते, त्रिभंगा फॉर्म में खड़े हो जाते, हाथ में कुछ भी नहीं है पर ऐसे बंसुरी बजाने का वो करना शुरू कर देते हैं, कभी आते जाते कुछ भी सर पे लगा लेते, कोई पत्ता कोई फूल सर पे लगा लेते, और रात को सोते सोते एकदम जोर से उठते थे, हे मैया, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे ललिते, हे विष्णु, हे राधे, हे वृंदावन, मैं कब जाऊंगा वृंदावन, ऐसे रो रहे हैं। कह रहे कभी हमने रात को तो इन्होंने याद नहीं करा, इतनी तेज तेज रात को रो रो के उठ के पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो वो सब जो है सारी 16,108 रानियां, अब एक बंदा कॉमन था द्वारका और वृंदावन में, वो थी रोहिणी मैया। तो रोहिणी मैया ने जो था कृष्ण को बड़े होते हुए भी वृंदावन में देखा था और उन्होंने द्वारका में भी देखा। तो ये 16,108 पटरानियां भगवान श्री कृष्ण की गई रोहिणी मैया के पास, और उन्होंने कहा प्लीज आप बताओ कि ऐसा क्या है, वृंदावन क्या है कि जो द्वारका में नहीं है, वृंदावन में ऐसी क्या चीज हो रही है कि भगवान एकदम ऐसे कभी रो रहे हैं, कभी चीख रहे हैं, कभी ऐसे टेढ़े खड़े हो जाते, सीधा सीधा देखो कुछ भी नहीं है, एकदम टेढ़े खड़े हो जाएंगे, ये सारे लोग इनको पागल समझेंगे, इनको राजा के पद से हटा देंगे, वृंदावन क्या है। तो रोहिणी मैया ने कहा देखो मैं तुम्हें वृंदावन के बारे में बता तो दूंगी, लेकिन बी श्योर कि अगर कृष्ण और बलराम ने ये सुन लिया ना दोबारा से, तो वो यहाँ एक पल भी द्वारका नहीं रहेंगे। तो सुभद्रा माई कहती ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, मैंने गार्ड करूंगी दरवाजा, मैं देखती रहूंगी कि ना कृष्ण आ रहे ना बलराम आ रहे, जैसे ही आएंगे ना मैं आपको बता दूंगी। तो ये अरेंजमेंट हुआ कि सब रानियां जो है अंदर बैठ के रोहिणी मैया से कृष्ण बलराम की वृंदावन की कथा सुनेंगी। और उस वृंदावन की कथा में क्या हुआ, रोहिणी मैया ने सुनाना शुरू किया, और जैसे जैसे रोहिणी मैया उनको सुनाती रही, उसमें क्या हुआ, तभी कृष्ण सुभद्रा मैया ऐसे गार्ड कर रही थी, और सुभद्रा मैया भी इतनी खो गई भगवान कृष्ण की बलराम की बाल लीलाओं में, गोवर्धन लीला, सारी वृंदावन की लीलाओं में, कि जो वो फेस दरवाजे की तरफ था कि कृष्ण बलराम ना है, उनका फेस टर्न हो गया अंदर की तरफ, और वो दरवाजा ऐसे करा हुआ है। पर इमोशनल जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम अपने आंखों में से आंसू नहीं रोक सकते, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे गूजबम्स आ जाते हैं, या हम डांस करना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो सुभद्रा मैया इतनी ज्यादा एक्सटेसी में चली गई ये सारी चीजें कर सुन के, सुभद्रा मैया जो है इतना ज्यादा उन्होंने इस इनके बारे में सुना, तो उनको उनके हाथ बिल्कुल अंदर हो गए, मतलब वो शिविर कर रही कि कैसे मैं अपने आप को इतना अंदर से खुश हो गई कि उनके दोनों हाथ जो है अंदर की तरफ हो, और वहीं पे जो कृष्ण और बलराम, उनको पता ही नहीं चला कब कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, और जब उनको पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण बलराम आ रहे हैं, और भगवान कृष्ण जो है अपने आप को इज अ किंग, और वो वृंदावन की अपनी सारी पास्ट लाइफ अपने बचपन की सब लीला सुन रहे हैं, और वो इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई कि बस अब आंखें सॉकेट से बाहर आने वाली हो गई, हाथ जो थे उनके अंदर हो गए कि कैसे मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, और वो बस हाथ अपने जस्ट कंट्रोल करने के लिए, सेम बलराम जी का हाल हो गया, सेम चीज बलराम जी के साथ भी हो गई, और ये सब हो रहा है, और रोहिणी मैया कथा चलनाई जा रही है, और किसी को नहीं पता, सब एकदम जैसे डूब गए कृष्ण कथा में, सब ऐसे डर गए। और उसी समय क्या होता है, नारद मुनि आके आ जाते उधर, और नारद मुनि आके देख लेते हैं, कहते हे ठाकुर जी आपका कितना सुंदर रूप है, ये कितना कितना बढ़िया, कितना सुंदर रूप है, मतलब आप एक अपने भक्तों के लिए क्राई कर रहे हो, मतलब सिर्फ भक्त आपके लिए नहीं रोता, आप भी भक्तों के लिए रोते हो, आपको भी भक्तों के लिए उतना ही फील होता है जितना भक्तों को आपके लिए आपके विरह में फील होता है। तो जो रोहिणी मैया कथा सुना रही थी, सबका ध्यान भंग हो गया, और सबको पता चल गया कि कृष्ण और बलराम ने जो है उनको देख लिया, और तो अब यू नो कृष्ण इज द राजा, कृष्ण वहां के राजा है, और अगर कृष्ण को कोई ऐसे देखेगा कि राजा इतना इमोशनल हो रहा है, राजा ऐसा हो रहा है, तो कोई राजा की बात थोड़ा ना मानेगा। तो कृष्ण ने ना कवर अप करते हुए कहा, देखो नारद मुनि तुम ना गलत टाइम पे आ जाते हो, अब तुमने मेरे को ऐसे देख लिया, अब ये किसी को बोलना नहीं, तो इसको चुप मुंह बंद करने का क्या लोगे तुम। तो नारद मुनि कहते प्लीज मेरी एक शर्त मान लो, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो भगवान कहते अच्छा दिया तुम लो, पर ये बात किसी को भी मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए।
नारद मुनि कहते प्लीज आप मेरे को एक वरदान दे दीजिए। ठाकुर जी कहते दिया, मैंने दिया बस अब तुम जाओ। कहते मेरी बात तो सुन लो। कहते हाँ बताओ क्या चाहिए। कहते जो रूप मैंने आपका ऐसा देखा है, जो रूप आपने मुझे अभी दिखाया है, प्लीज मैं चाहता हूँ कि इस संसार का हर एक व्यक्ति ये रूप देखे आपका। और भगवान कहते हैं लो इसको कहा था किसी को मुंह मत खोलना और इसने सार सबको ये फैला दिया। नारद मुनि पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब जो फ्लैशबैक की स्टोरी थी वो सामने आ गई। नारद मुनि कह रहे थे ये वही रूप है, ये वही रूप है, ये जगन्नाथ जी, ये द्वारकाधीश कृष्ण है जो बहुत ज्यादा विरह में है, राधा रानी के विरह में है, और इसलिए इनकी आंखें गोल हो गई, इनके हाथ अंदर हो रहे हैं कि ये कैसे कंट्रोल करे, और जो इनके पैर है, इनके पैर नहीं है, वो सब अंदर चले गए, और सुभद्रा माई के भी हाथ बिल्कुल इमोशनली वैसे हो गए हैं, और बलराम जी के भी ऐसे हैं। ये वो रूप है भगवान का जैसे हम सफर कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में। कभी कोरोना आ रहा है, कभी कोई डिप्रेशन हो रहा है, कोई डिसीज आ रहे हैं, इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स हो रही है किसी वे में, हम कभी डिप्रेस होते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो हमें लगता है भगवान तो कितने मतलब संपन्न है, वो हमारा दुख कैसे समझेंगे, कभी हमारी पोजीशन में आए तो पता चलेगा। तो आज ये ठाकुर जी जो है ये हमारी पोजीशन में आ गए हैं, इनको भी सेपरेशन फील हो रहा है, इनको भी अलग फील हो रहा है अपनी फैमिली मेंबर्स से हटके, तो आज ये मेरा भी दर्द समझ पाएंगे। तभी भगवान जगन्नाथ जी हैं सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उनकी आई लैशेस नहीं है, उनकी आंखें गोल है। तो जो दर्द हम फील करते हैं भगवान भी फील कर रहे हैं। अब किसी कोई दुखी हो और हम भी दुखी हो तो दुख दुखी क्या होता है उसके ऊपर हमें वो सिंपति आ जाती है, यार मेरा भी दुख है बेचारा ये है, तो जो दो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान जगन्नाथ जी जो है इतने विरह में है, इतने ज्यादा विरह में है वृंदावन वासियों से, ब्रज वासियों के, तो उनके हृदय में भी वो दुख है, और जैसे ही वो हमें देखते हैं हमारे हृदय में भी वही दुख होता है, और वो दुख के क्या करते हैं चलो चलो मैं इनको वरदान दे दूं, और इनकी आई लैशेस नहीं है तो एक आंख भी नहीं झपक सकते कि कोई मेरा भक्त जो है मिस ना हो जाए। सो यहाँ पे जो मैंने बताई कैसे भगवान जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ, अब जो मैं क्लास एंड कर रही हूँ नेक्स्ट उसमें अभी ही आप रिज्वाइन कीजिएगा उसमें।